हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है, देशव्यापी तैयारी भी है, सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रूवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं, इसलिए उचित रिस्पॉन्स और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है।